अभी तक गुड बाकी मॉर्निंग लोग सर, कहाँ है? अच्छा सब आ रहे हैं सब लोग शायद। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कोई क्लास चल रही थी क्या? यस सर, मैथ्स की। सर मैथ्स की चल रही थी सर, मैंने क्लास ली नहीं थी, नेटवर्क नहीं काम कर रहा था। जैसे आपने लिंक भेजा तुरंत ही हमने ज्वाइन कर लिया। अभी आ रहे होंगे सब लोग। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कल जो डिस्कशन हुआ समर का, और उससे पहले जो डिस्कशन हुआ इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स का, कहीं किसी को कोई दिक्कत? सर कल देखे थे सर आपके लेक्चर से, बस समझ में आ गया अच्छे से। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है नेगेटिव फीडबैक के साथ, वो बेसिकली क्या है कि कैसे हम ओपैम को एज एन इंटीग्रेटर यूज कर सकते। क्या इंटीग्रेटर हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस किया है? नो सर, आई थिंक नहीं सर। ध्यान करो, जो हम लोगों ने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाया कैसा था सर? ओपन लूप या क्लोज लूप सर? क्लोज लूप। यहाँ एक रजिस्टर लगा था और फीडबैक में एक रजिस्टर, यहां से हम इनपुट दे रहे। अब इंटीग्रेटर का सर्किट कैसे बनता है? इंटीग्रेटर के सर्किट में चेंजेस क्या करना है हमको? इस रेजिस्टेंस को, जो फीडबैक तुमने रेजिस्टेंस से दिया, वो रेजिस्टेंस हटा के वहां पे एक कैपेसिटर लगा दो, और ये जो सर्किट बना ये बेसिकली कहलाता है तुम्हारा इंटीग्रेटर सर्किट। ये तुम्हारा सर्किट बनता है, क्या कहलाता है? इंटीग्रेटर सर्किट। ठीक है, हमने चेंजेस क्या किए? कैपेसिटर को फीडबैक में लगाया। अब ये इंटीग्रेटर सर्किट है तो मतलब इसका काम क्या होगा कि ये आउटपुट वोल्टेज दे, क्या इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज का इंटीग्रेशन दे एज अ आउटपुट। कैपेसिटर को यूज करने का रीजन ये है कि देखो, याद करो, जब हम रेजिस्टेंस के करंट वोल्टेज रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम V इज इक्वल टू आई आर बोलते हैं। ठीक, इसी तरह से कैपेसिटर में जो करंट फ्लो हो रही होती है आई सी,
उसको हम कैसे लिखते हैं, सी डी वी सी बाई डी टी। और अगर हम वोल्टेज निकाले तो वी सी इज इक्वल टू होता है वन अपॉन सी इंटीग्रेशन आई डी टी। ठीक, दिस इज फॉर कैपेसिटर। इसी तरह से इंडक्टर के केस में भी आई एल अगर हम निकाले तो वन अपॉन एल इंटीग्रेशन वी डी टी, और वी एल इज इक्वल टू निकाले एल डी आई वाई। वी एल क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, करंट अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, करंट अक्रॉस कैपेसिटर। जो भी लोग इन फॉर्मूलों को नहीं जानते इनको कहीं पे अपना साइड में लिख के रख लो, ये तुम्हारी बेसिक नॉलेज में काफी काम आएगी। ये जितनी भी इक्वेशंस हैं, ये सभी है फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। ये सभी ओम्स लॉ को फॉलो करती है, ठीक है, ये ओम्स लॉ की ही फॉर्म्स है। आप अभी तक हो सकता है तुमने केवल बी इज इक्वल टू आई आर ही पढ़ा हो, ठीक, बट बाकी ये जो है ये चारों भी ओम्स लॉ की ही। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब हम ओपैम्प को सॉल्व करते हैं तो कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्चुअल शॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पॉइंट इस पॉइंट पे वोल्टेज है वीबी। हाँ सर, फिर से बता देंगे सर, अभी ज्वाइन किया इसको, थोड़ा लेट हो गया। अभी बेटा हमने कुछ खास नहीं बताया, हमने सिंपली ये सर्किट बताया कि ऐसे सर्किट बनता है, और ये इक्वेशंस होती है, ये कैपेसिटर की इक्वेशंस होती है, ये इंडक्टर की। ठीक सर, और एक पॉइंट ये बताया कि जो इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेटर का मीनिंग क्या, इंटीग्रेटर तुम्हारा आउटपुट जो देगा वो क्या होगा, इनपुट का इंटीग्रेशन। ठीक सर, तो अब हम उसकी वर्किंग पे आ रहे हैं। ये VB पॉइंट है, B पॉइंट है, जैसे ये मेरा A पॉइंट है, यहाँ का वोल्टेज है VA, तो बाय वर्चुअल शॉर्ट। अच्छा ये बताओ, यहाँ वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन बन रही है या वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन? वर्चुअल ग्राउंड सर। वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन। देखो वर्चुअल शॉर्ट और वर्चुअल ग्राउंड में बस बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। वर्चुअल शॉर्ट कहता है कि ये टर्मिनल यानी इनवर्ट, सर आवाज चली गई सर आपकी, इनवर्टिंग टर्मिनल और नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज इक्वल रहेगा। बीच में आपकी आवाज चली गई थी। हाँ एक मिनट बेटा वेट कर, तो हमने तुम्हें क्या बता बात कर रहे थे, अभी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर हाँ सर आ रही। तो वर्चुअल शॉर्ट और वर्चुअल ग्राउंड में एक माइन्यूट सा डिफरेंस क्या है कि देखो वर्चुअल शॉर्ट कहता है कि ये टर्मिनल का वोल्टेज इनवर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज और नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल का दोनों इक्वल रहेंगे, VA इज इक्वल टू VB रहे। और अगर उस टाइम पे VB जीरो हो, अगर उस टाइम पे VB जीरो हो तो वही कंडीशन यानी VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन क्या कहलाती है, वर्चुअल ग्राउंड। यानी वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हो और साथ में इस टर्मिनल का वोल्टेज अगर जीरो हो तो वो कंडीशन बन जाती है वर्चुअल ग्राउंड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो तुम्हारी कंडीशन बन रही है वो क्या है, वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन।
तो VA is equal to VB is equal to, तुम दोनों में से कोई भी कंडीशन यहाँ पे लिख दोगे दोनों ही करेक्ट हो, बट तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए कि वर्चुअल शॉर्ट क्या होता है, वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है, क्योंकि इन जनरल कई बार लिखने को आ जाता है कि वर्चुअल ग्राउंड को का कॉन्सेप्ट डिफाइन करो, या लिखने को आ जाता है वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट। हमने वर्चुअल शॉर्ट लगा लिया, अब हम यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये आई वन आई एफ आई बी वन, ठीक, इधर केसीएल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इधर हमने कोई करंट शो नहीं की। बाय केसीएल एट नोड क्या हो जाएगा, I1 is equal to IB1 plus IF, यहाँ पे I1 is हाँ प्रज्वल कोई डाउट है? वॉइस नहीं आ रही सर? आ रही है, आ रही है सर। अच्छा, इसके लेयर से दिक्कत लग रही है। यस, अपना नेटवर्क थोड़ा सा चेक करो, थोड़ा सा इधर उधर आगे पीछे टहल के देख लो, शायद तुम्हारे नेटवर्क में इशू। I1 is equal to क्या आएगा, V1, यानी प्लस इधर है माइनस इधर आएगा, क्योंकि करंट इधर की ओर जा रही है। V1 minus VA upon R, I1 is equal to आएगा V1 minus VA upon R। अब देखो I, IF क्या है, कैपेसिटर में जाने वाली, और उसको हम लोगों ने क्या देखा है, IC is equal to C dVC upon dt, यानी कैपेसिटर में जाने वाली करंट क्या होगी, उसका कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी टी ऑफ उस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का मतलब क्या है, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल, करंट इधर की ओर फ्लो हो रही है, इसलिए इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। तो यहां पहले तुम्हें वीसी फाइंड आउट करना, वीसी इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज माइनस नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज। तो VC इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, VA माइनस V0। IF हम क्या लिख सकते हैं, C dy dt ऑफ VA माइनस, ऑप-एम्प के केस में एक KCL और दूसरा टर्मिनल वोल्टेज, इनको ध्यान अगर देके चलोगे तो सब कुछ बहुत आराम से। ठीक, सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, क्या देखो, वी वन माइनस वी ए अपॉन आर इज इक्वल टू सी डी बाई डी टी ऑफ वी ए। VA is equal to zero है, तो ये क्या हो जाएगा, V1 by R is equal to C d by dt of minus। देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, आउटपुट इन टर्म्स ऑफ V1, इन टर्म्स ऑफ इनपुट, हमें आउटपुट चाहिए इन टर्म्स ऑफ इनपुट, दैट इज वाई हम दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग both side with respect to t, t के respect में integration करेंगे, क्योंकि differentiation भी यहाँ पे t के respect में, हमारा integration करने का motive क्या है, इस dy dt को हटाना, dy dt हट जाएगा तो हमें direct v naught की value मिल जाएगी in terms of v1, ये क्या हो जाएगा, integration 0 से t v1 by r dt is equal C into minus। तो
v not is equal to क्या जाएगा minus one upon cr zero to t v one dt output जो आ रहा है integration of input यानी हमने जो circuit design किया वो exactly correct output दे रहा है और हमारा integrator की तरह behave सम वन अपॉन सी आर गेन है सर उसका वन अपॉन सी आर हाँ इसको एज अ गेन ले सकते लेकिन इन केस ऑफ इंटीग्रेटर या डिफरेंशिएटर इसमें तुमसे केवल आउटपुट वोल्टेज पूछता है यहाँ तुमसे बिल्कुल नहीं पूछता कि हाँ गेन बताओ और जब अगर गेन की बात करोगे तो इस माइनस को ले के साथ इस पूरे पार्ट को गेन ओके सर और गेन इसलिए नहीं कहता है क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ये भी तुम्हारा ऑपरेंट ही कर रहा है ठीक तो उसको भी तुम्हें कंसीडर करना होता है जब तुम गेन की बात कर रहे हो इसीलिए हम लोग इसमें गेन नहीं पूछा जाता है जब तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे और वहां पे जब तुम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस देखो तब इसका गेन कैसे निकालना है वो सीख पाओगे एक्चुअल में इसको टाइम डोमेन से चेंज करके फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं देन गेन निकालते हैं ठीक है और वो सारी चीजें तुम्हें करनी नहीं है तो तुम सिंपली इसका आउटपुट वोल्टेज ये मान के चलो और इसको गेन मान के चलो ओके सर नेक्स्ट इंटीग्रेशन हमने कर लिया अब हम डिफरेंशिएशन पे आते हैं तो उसके लिए हम क्या बनाए डिफरेंशिएटर क्या बनाए डिफरेंशिएटर अब देखो चेंजेस क्या होंगे सर्किट इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल अभी भी ग्राउंड है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो फीडबैक लगा था वो रेजिस्टेंस का लगाओगे और जो इनपुट प्रोवाइड किया जा रहा था वो थ्रू कैपेसिटर इनपुट प्रोवाइड किया जा रहा था वी इन वो थ्रू कैपेसिटर प्रोवाइड यहां पे इनपुट जो प्रोवाइड किया गया था वो थ्रू रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया था और कैपेसिटर को फीडबैक में लगा जबकि यहां पे क्या किया गया है कैपेसिटर के थ्रू इनपुट वोल्टेज दिया गया और आरएफ को फीडबैक सिंपल ठीक है अगेन यहां पे वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन है या वर्चुअल शॉर्ट की सब वर्चुअल ग्राउंड 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 सब ग्राउंड VA is equal to है VB और VB कितना है C हम दोनों इसलिए लिख रहे हैं ताकि उस टाइम तुम्हें जो भी याद आए तुम दोनों में से कुछ भी लिख दोगे प्रूविंग करते समय दोनों सही एक शॉर्ट लिख लोगे वो भी सही है ग्राउंड लिख दोगे वो भी सही बट दोनों की अलग अलग डेफिनेशन याद रख अब हमें क्या करना है करंट फ्लो कराएंगे ये I1 ये IF अब I1 क्या है कैपेसिटर में फ्लो होने वाली करंट और IF क्या है रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली तो पाई KCL एट नोड A ठीक तो नोड ए पे जब तुम केसीएल लगाओगे तब क्या होगा आई वन इज इक्वल आई बी वन प्लस आई एफ अब यहाँ पे आई एफ इज इक्वल टू क्या है इस टर्मिनल का वोल्टेज और इस टर्मिनल का वोल्टेज क्योंकि इधर प्लस है उधर माइनस है तो आई एफ इज इक्वल टू क्या है बी ए माइनस बी नॉट और आर I1 is equal to क्या हो जाएगा
आई वन क्या है कैपेसिटर की तरह सी डी वाई डी टी ऑफ जो भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है करंट जा रही है इस डायरेक्शन में इधर प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वी सी वी सी क्या होगा वी इन माइनस वी ए वी इन माइनस वी ए ठीक हम देखो इस पॉइंट का वोल्टेज डायरेक्ट वी इन मान रहे हैं क्योंकि दूसरा वाला टर्मिनल ग्राउंड है इसलिए हम डायरेक्टली इस पॉइंट का वोल्टेज वी इन मान पा रहे ठीक है क्या हो जाएगा वी इन और आई बी वन एज यूजुअल जीरो रहे सारी वैल्यूज पुट कर दो सी डी बाई डी टी ऑफ वी इन माइनस वी ए की वैल्यू जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस आई ए कितना हो गया जीरो माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ यहां से आउटपुट वोल्टेज क्या है आर एफ इंटू सी माइनस आर एफ इंटू सी d by dt of तो आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज मिल गया यही तो हमें अल्टीमेटली चाहिए था और देखो हमारा रिजल्ट भी सही आ रहा है क्योंकि आउटपुट वोल्टेज जो है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज कोई डाउट नो सर नेक्स्ट जो एप्लीकेशन नेगेटिव ओके कोई दिक्कत है कोई डाउट है नहीं सर ठीक है नोट नहीं किया था एक चीज यूनिटी फॉलो लास्ट एप्लीकेशन जो नेगेटिव फीडबैक के साथ लास्ट एप्लीकेशन हम लोगों को देखती है वो है यूनिटी फॉलो इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज फॉलोवर भी इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिटी गेन एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं अभी जैसे इसकी वर्किंग समझोगे इनके ये तीनों नाम तुम्हें समझ में आ जाएंगे अभी दोनों नाम ये तुम्हें क्यों इनको ऐसा बोलते हैं ये समझ में आ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से इनपुट प्रोवाइड किया है वी इन दिस बैटरी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से हमने इनपुट प्रोवाइड किया वी इन ठीक अब इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने डायरेक्टली एक वायर से शॉर्ट कर दिया है आउटपुट साइड यहाँ जो फीडबैक लगाया है उसमें ना रजिस्टर है ना कैपेसिटर बस चुपचाप इसको उठाया वायर से पीछे घुमा के ऐसे लगा दिया और यहां से नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से इनपुट ये जो सर्किट है वो बेसिकली क्या कहलाता है यूनिटी फॉलोअर ठीक क्या कहलाता है यूनिटी फॉलो अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या पहली चीज तो ये हमेशा वोल्टेज को फॉलो कर वोल्टेज को फॉलो करता है मतलब आउटपुट वोल्टेज इसका हमेशा इनपुट वोल्टेज के बराबर इसका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर ठीक दूसरी प्रॉपर्टी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका इनपुट रेजिस्टेंस
हाई रहेगा, इसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई रहे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसका आउटपुट रेजिस्टेंस लो रहे। तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली इसकी प्रॉपर्टीज भी पूछ ली जाती है, कहा जाता है कि यूनिटी फॉलोअर की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती है वो बताओ। तो पहले ये देखते हैं कि कैसे इसका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज की बात। तो इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना होगा, मैं ये पहले बताओ, ए पॉइंट ए टर्मिनल का वोल्टेज कितना होगा? VIN। तो बी टर्मिनल का वोल्टेज कितना होगा फिर? उसका भी सर सेम होगा, VS को तो VB होगा ना सर, वर्चुअल शॉर्ट, वर्चुअल शॉर्ट V नॉट वाला कौन था सर? जानवी चरसिया। तो अच्छी चीज है कि तुमको यहाँ पे ये डाउट हुआ कि V नॉट भी तो हो सकता है सर, इधर आउटपुट है और ये इसके बराबर हो सकता है क्योंकि डायरेक्टली फिजिकली आपने शॉर्ट करा। देखो अब एक चीज समझो, जब एक बार जब तक तुम इनपुट दोगे नहीं तब तक आउटपुट आएगा नहीं। इस वजह से हम जब सर्किट की एनालिसिस करते हैं तो इनपुट से आउटपुट की तरफ जाते हैं, ना कि आउटपुट से इंजन। ठीक है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे इसको ये नहीं सोच रहे कि हाँ भाई आउटपुट वोल्टेज इस पॉइंट के बराबर। नो डाउट यहाँ पे बिल्कुल तुम सही हो कि आउटपुट वोल्टेज इस टर्मिनल के वोल्टेज के बराबर होगा, मीनिंग V नॉट इज इक्वल टू VB होगा, बिल्कुल सही, इसमें कोई गलती नहीं। और VA इज इक्वल टू V इन होगा, ये भी एकदम सही। ये क्यों है? क्योंकि फिजिकली शॉर्ट किया है, फिजिकली फिजिकल शॉर्ट सर्किट, बकायदा वायर लगा के हमने शॉर्ट सर्किट किया, ये बैटरी लगी हुई है इस वजह से। अब लास्ट पॉइंट बता दो कि VA is equal to VB due to virtual short। VA is equal to अगर VB है तो V not is equal to VIN नहीं होगा। Yes sir। तो ये simply output को follow कर रहा है। अच्छा, इसका gain कितना है? जीरो वन नहीं वन 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 सॉरी सब वन यूनिटी है सर, यूनिटी गेन होगा, यूनिटी गेन होगा। यूनिटी गेन एम्पलीफायर क्यों कहते हैं समझ में आया? क्योंकि इसका गेन वन। यस सर, यस सर। वोल्टेज फॉलोवर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनपुट वोल्टेज को फॉलो करता है, इनपुट वोल्टेज को फॉलो करता है। जैसे जैसे आप इनपुट वोल्टेज को चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज चेंज होता जाएगा। Exactly सर, प्रैक्टिकल के केस में ऐसा नहीं होगा ना सर, लेकिन अगर प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे, लाइक ये तो आइडियली हम लोग देख रहे हैं ना सर, प्रैक्टिकल के केस में नहीं होगा सर। लाइक प्रैक्टिकल केस में सर, लाइक एग्जैक्टली फॉलो नहीं करेगा ना सर, वी नॉट इक्वल्स टू वी इन नहीं होगा, कुछ लॉसेस वगैरह भी होंगे ना सर। देखो हमने तुम्हें क्या बताया, अगर तुम्हारा ऑप एम्प वर्चुअल शॉर्ट के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, ठीक, तो तुम्हारा यूनिटी फॉलोवर एग्जैक्टली सेम रहेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ एरर बिल्कुल रहेगी अगर ये प्रैक्टिकल ऑफ है, क्योंकि आइडियल और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा, लेकिन हाँ इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम प्रैक्टिकली इस चीज को बना नहीं सकते। ठीक है, हम बिल्कुल बना सकते हैं, हम अपने जो ऑप एम्प है उसको इस तरह से डिजाइन करते हैं ताकि वो वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन को फुलफिल कर सके और उसके बाद वहां पे V not is equal to V in दे सके। Exactly V not is equal to V in हमेशा नहीं आएगा, थोड़ा minute difference होगा, बट उस एरर को हम इग्नोर करके चलते हैं। ओके सर, तो जो इसका क्लोज लूप गेन है कितना आया है वन। इस चीज को याद रखोगे, जब भी गेन निकालोगे तो इसको बकायदा ऐसे लिखोगे क्लोज लूप गेन इज इक्वल टू, केवल गेन इज इक्वल टू वन नहीं लिखोगे,
जितने भी फीडबैक लगे हुए सर्किट्स का गेन निकालने को तुमसे पूछा जाता है, वहां पे क्लोज लूप गेन पूछा जाता है, क्योंकि ओपन लूप गेन तो हमें पता है या तो प्रैक्टिकल होगा तो बहुत हाई होगा और अगर आइडियल होगा तो इंफिनिटी होगा ओपन लूप गेन, इसलिए क्लोज लूप गेन पूछा जाता है। ठीक, गेन तुमसे तीन ही जगह पे पूछा जाएगा, एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दूसरा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तीसरा यूनिटी गेन एम्पलीफायर, बाकी एप्लीकेशंस का आउटपुट पूछा जाता है, गेन नहीं पूछा जाता। ठीक है ना, अब एक चीज इसकी और कि भाई इस यूनिटी गेन एम्पलीफायर, भाई इसने कौन सा कद्दू का तीर मारा, कौन सा बहुत बड़ा काम किया है इसने, भाई जो इनपुट दिया था वही आउटपुट दे दिया, तो इस सर्किट की जरूरत क्या पड़ी, इस सर्किट की हमें जरूरत क्या पड़ी, इसकी एप्लीकेशन भाई इंटीग्रेटर होता तो हम सीधा सीधा बता देते कि भाई कोई भी आप इनपुट दोगे उसका इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर देगा ये सर्किट, लेकिन इस सर्किट के एप्लीकेशंस क्या, तो पहली एप्लीकेशन है कि इसको हम यूज करते हैं एज अ बफर, इज यूज्ड एज अ वोल्टेज बफर, तो हम वोल्टेज बफर की तरह, अब जरा ये समझते कि बफर होता है, कहीं सुना है ये बफर वर्ड, केमिस्ट्री में सुना है, केमिस्ट्री में सर बफर सॉल्यूशन, यस सर। अच्छा, जब मोबाइल में यूट्यूब पे वीडियो देखते थे 4G आने से पहले, तब भी कुछ वीडियो देखते वक्त बफरिंग जैसी चीज होती थी? यस सर, लोडिंग सर, यस सर, हां सर। एक्चुअली होता क्या था, देखो वीडियो के प्ले होने के यानी वीडियो के चलने का अपना कुछ रेट होगा, हमें ये पता है ना कि वीडियोस जो होते हैं, जो हम वीडियो देखते हैं उसमें एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि वीडियोस चल रहे हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीड से कई सारी इमेजेस रन कराई जाती है जिसकी वजह से हमें वो वहां पे वो वीडियो चलता हुआ दिखाई देता है, ये बात पता है सभी? यस सर, यस सर, यस। जो हम वीडियोस देखते हैं उन वीडियोस में एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, कई सारी पिक्चर्स एक पर्टिकुलर स्पीड से चलती हुई जा रही होती है जिसकी वजह से हमें वहां पे वो सारी चीजें वीडियो में चलती फिरती मूवेबल दिखाई देती है, जैसे इमेज में हमें इन जनरल इमेज में चीज मूवेबल नहीं दिखाई देती है, बट उसी इमेजेस को, नंबर ऑफ इमेजेस को अगर हम एक साथ रन कराए एक पर्टिकुलर स्पीड से तो हमें सारी चीजें मूव करती हुई दिखाई देती है, या कुछ इस तरह से उस चीज को याद करो कि एक डायरी लेते हैं और उसमें कई सारे स्केचेस अगर बने हो और उसके जब उसके पेजेस को धीरे 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 ऐसे छोड़ रहे होते हैं तो हमें फील आता है कि हाँ जो उसमें इमेजेस बनी थी वो रनिंग इमेजेस दिखाई देती, मीनिंग जो कुछ वीडियो टाइप का फीलिंग देती है। यस सर, अगर इंटररिलेट कर तो जो स्पीड वहां पे है कि पिक्चर्स को किस स्पीड में चलाना है, एक फ्रेम को यानी एक पिक्चर को किस स्पीड से चलाना है उसको हम बोलते हैं फ्रेम पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने फ्रेम प्ले कराने हैं, ये हमारे वीडियो की स्पीड हो गई, मीनिंग एक सेकंड में इतने फ्रेम ये प्ले कराएगा। और दूसरी चीज क्या हो गई कि जो आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं, नेटवर्क कनेक्शन यूज कर रहे हैं, वो एक सेकंड में कितने फ्रेम प्ले करा पा रहा है, नेटवर्क कनेक्शन की एक अपनी स्पीड होगी कि एक सेकंड में वो कितनी इमेजेस को डाउनलोड करके अपलोड करके तुमको शो कर रहा है। अगर ये दोनों स्पीड्स बराबर हो तब तो तुम्हारा ये बहुत स्पीड चल आराम से, कोई इशू नहीं, लेकिन अगर इस नेटवर्क का फ्रेम रेट यानी नेटवर्क की स्पीड, नेटवर्क कनेक्शन तुम्हारा स्लो हो जाए इस फ्रेम पर सेकेंड से, तो क्या तुम्हें वीडियो प्रॉपर दिखाई देगा? नो सर, है ना, और उसी समय वहां पे बफरिंग होने लगती है, तो बफरिंग के टाइम पे हो क्या रहा होता, तुम्हारे वीडियो के फ्रेम रेट को रोक दिया जाता है, तभी वहां पे वो ऐसे गोल गोल नाचता हुआ दिखाई देता है,
फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड तुम्हारे वीडियोस को पॉज, वीडियो को पॉज कर दिया जाता है, अपनी जगह पे रोक दिया जाता है, ताकि नेटवर्क का जो कनेक्शन है वो उसके पास तक पहुंच सके, दोनों अपना सिंक्रोनाइजेशन कर सके और अगेन हम वीडियो को प्ले करा सके। ये बेसिक वर्क है किसी बफर का। ठीक है, बफर का बेसिकली काम क्या है कि दो चीजों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन। सर सर ये वही चीज होती है ना, जैसे आजकल की जो डिवाइसेस में हम लोग रिफ्रेश रेट कहते हैं 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज। रिफ्रेश रेट मतलब एक सर जैसे मतलब सर रिफ्रेश रेट मतलब जैसे सर इसमें बताते हैं कि जैसे सिंपल। हाँ तुम बता लो, हम शायद हम लोग थोड़ा सा। हाँ बता। ऐसा मतलब बताते हैं कि इसमें रहता है कि कितने कितने फ्रेम पर सेकंड में मतलब आपकी आपकी जो स्क्रीन का वो है कितने मतलब चेंज हो रहा है तेजी से, जैसे 90 हर्ट्ज होता है, 120 हर्ट्ज होता है, ये सब। अच्छा अच्छा मोबाइल और डिफरेंट जो स्क्रीन्स होती है, टीवी का स्क्रीन होता है, इनका रिफ्रेश रेट की बात कर रहे हैं। यस सर देखो वहां एकदम अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक, वहां चीजें ये है कि रिफ्रेश रेट का मीनिंग ये है कि तुमने जब कुछ कोई वीडियो या कुछ चलाते हो तो उस टाइम पे इंटरनली उस चीज को डिस्प्ले करने के लिए, लेट्स से अगर तुम्हारी एलसीडी है ठीक या टीएफटी है, तो उनमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कैपेसिटर या कोई इंडक्टर चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक, उनके चार्ज और डिस्चार्ज रेट पे डिपेंड करता है तुम्हारा रिफ्रेश कि कितनी तेजी से तुम्हारी स्क्रीन रिस्पॉन्स कर पा रही है तुम्हारे इनपुट्स, वो एकदम अलग चीज है। यस मेरा डाउट था सर। सर एक और चीज है पूछे सर, वो सर इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस वाला सर, वो थोड़ा सा हाई और लो कैसे है सर? वो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया, वो इनपुट रेजिस्टेंस हाई तो समझ में आ रहा है लेकिन आउटपुट रेजिस्टेंस लो वो थोड़ा समझ नहीं पाया। So, मतलब ये वही चीज है ना, जैसे हम लोग अपनी डिवाइसेस से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते तो उसमें बताते हैं कि आपकी डिवाइसेस में 30 fps है, 60 fps है। Exactly. Yes, sir. वो जो 30 fps बताता है वो वही वीडियो का फ्रेम पर सेकंड। Yes, sir, समझे। Thank you, sir. इनपुट रेजिस्टेंस हाई, एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझो, ऑप एम्प है ना, ऑप एम्प का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो हम इंफिनिटी लेते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस हम जीरो लेते हैं। ठीक है, अब फीडबैक लगाने से इनपुट रेजिस्टेंस थोड़ा सा डिक्रीज होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज होता है, यानी जीरो से कुछ वैल्यू पे आ गया इसलिए हमने उसको लो लिख दिया है, इन्फिनिटी से कुछ कम हो गया इसलिए हमने उसको हाई लिया। एक फिर से समझ, फीडबैक के कुछ अलग इफेक्ट भी होते हैं। हाँ सर, वो क्या कहा सर, फिर से कह दीजिए, फिर से समझा दीजिए सर। फीडबैक देखो, फीडबैक लगाने की वजह से इनपुट रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा डिक्रीमेंट होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट। आइडियली अगर हम देखें